एक सवाल जो है, मैं बिल्कुल बहुत दिनों से ये सवाल मैं सोच रहा था कि किसी से जरूर पूछूंगा, क्योंकि YouTube पर जो है बहुत सारा इसको लेके बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है कि इंटरव्यू में ये पूछते हैं, इंटरव्यू में वो पूछते हैं, उसमें बहुत तरह की ऐसी बातें जो सुन के साफ लगता है कि वो फर्जी है, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता होगा। आप इंटरव्यू क्वालिफाई किए हैं, एक अधिकारी के पद पर अभी आप काम कर रहे हैं, तो इंटरव्यू जो आपका रहा उसमें अगर कोई प्रोटोकॉल ना हो कि अगर वो मतलब कि आप पब्लिक कर सकते हो, क्योंकि एक अधिकारी के साथ बहुत तरीके का प्रोटोकॉल होता है, मैं उन तमाम प्रोटोकॉल की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कुछ बात जो आप उस इंटरव्यू के बारे में बता सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ और आपसे किस टाइप का सवाल पूछा गया, तो आप वो जरूर बताएं। देखिए, इंटरव्यू का जहाँ तक बात है, जो नॉर्मल यूट्यूब पे वायरल वीडियोज होते हैं वो मुख्य रूप से मोस्ट ऑफ वीडियोज फेक होते हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इंटरव्यू में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता जैसा हम लोग देखते हैं। हाँ, लेकिन जो मॉक इंटरव्यू होते हैं, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है मॉक इंटरव्यू, वो आपको एक आइडिया जरूर दे सकता है कि आप इंटरव्यू के दौरान पेश कैसे आओगे। वो क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होगा, वो क्वेश्चन कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पे बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, आपका हाई पिच साउंड है या लो पिच साउंड है, आपका साउंड बढ़ाने की आवश्यकता है, क्या जरूरत है, आपका हैंड मूवमेंट ज़्यादा है क्या, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा है क्या, तो इन सब पे कंट्रोल करने में मॉक इंटरव्यू हेल्प करेगा। लेकिन जो अतरंगी सा सवाल होता है कि ऐसे पूछ लिया वैसे पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर बीपीएससी की स्पेसिफिक बात करूँ तो वहाँ पे अगर इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो करेंट अफेयर, जिसको समसामयिक हिंदी में बोल रहे हैं, ऐच्छिक विषय के बारे में जानकारी, और इसके अलावा दो चीज के अलावा नॉर्मल एक कोई भी केस रिलेटेड क्वेश्चन कि आप कहीं पे पोस्टेड हैं, यहाँ पे ऐसा इशू आ गया है तो उसको कैसे रिजॉल्व करोगे, ये तीन चार टाइप के सवाल ही कॉमन होते हैं। जैसे करेंट अफेयर का सवाल हो, अभी अगर इंटरव्यू कोई हो रहा हो सिविल्स का, तो वहाँ पे तालिबान से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए, ये मुश्किल है, वो पूछा ही जाएगा। तो करेंट का सवाल ऐसा ही होता है। सॉरी, मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैं मॉर्निंग में एक टॉपिक पढ़ के गया था, मॉर्निंग के जस्ट न्यूज़पेपर में देखा था, इंटरव्यू बीपीएससी ऑफिस में घुसने से पहले एक फेलुदा टेस्ट होता है, कोरोना का एक टेस्ट है, फेलुदा एक कैरेक्टर का नाम था सत्यजीत रे के नोवेल में, तो उसके कैरेक्टर के नाम पे एक टेस्ट आया था उस टाइम, और उसको दिल्ली गवर्नमेंट या शायद इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, उसी का न्यूज था। और मैं सुबह में पढ़ा था, मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया गया कि फेलुदा टेस्ट के बारे में बताइए। तो वो जो करंट का क्वेश्चन है वो समझिए कि लास्ट 10 दिन 15 दिन 20 दिन का न्यूज ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो बुक बुक के टच में नहीं है बहुत ज्यादा, वो न्यूज पेपर के टच में है, तो न्यूज पेपर के टच में है तो ऑब्वियसली वो सवाल वहीं से जुड़ा हुआ ज्यादा रहेगा। ऐच्छिक विषय की जहाँ तक बात है, तो अगर आपका कोर सब्जेक्ट आर्ट्स है तो उसमें अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर बैठे मेंबर जो हैं वो उस बैकग्राउंड के हों। लेकिन अगर आपका साइंस है तो आपका साइंस का टॉपिक तो आप अच्छे से डील कर ही लोगे, लेकिन जो कॉमन सवाल होते हैं, छोटे छोटे सवाल, हो सकता है आपको 10th लेवल का सवाल पूछा जाए और आप ना बताओ तो वो गलत इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे जो भी लोग रहेंगे ज़्यादा चांस है कि उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग या साइंस ना हो, और वो लोग को बहुत डिटेल में आपके सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं हो, लेकिन उनको बेसिक जो वो अपने टाइम में क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे उनका आइडिया होगा, और वो छोटी सी चीज पूछ देंगे, और अगर आप उसका आंसर नहीं कर पाते हो तो उनके अंदर ऐसा परसेप्शन बन सकता है कि ये तो 10th का सवाल भी नहीं बता पा रहा है, इसका ऐसा ऑप्शन ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो उस ख्याल से मुझे लगता है कि जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो कुछ नहीं तो NCERT 9 to 9, 10, 8, 7 ये सब का जरूर पढ़ लें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि वो सब छोटा छोटा सवाल, जैसे हमारे से बहुत सा सिंपल सा सवाल पूछा गया था कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो जिप्सम का फॉर्मूला मैं 10th के बाद शायद ही कभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि 10th क्लास में उसको पढ़ना है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन, तो जवाब कर सकते हैं CaSO4.5H2O वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जिप्सम टू एच टू ओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ एच टू ओ, हाँ कंफ्यूजन हो जाता है इसमें जी। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लिए ऐसा प्रिपरेशन करें तो कोई समस्या नहीं है उसमें। हाँ सही है, मतलब ये छोटा छोटा चीज जो बहुत बार 9th 10th के स्टूडेंट बोलते हैं 9th 10th में क्या है, तो बोर्ड का है, इसके आगे क्या क्या जरूरत है, मतलब लेकिन जरूरत है, आगे भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। हाँ,